आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी वर्षा, नुपुर शर्मा के समर्थन में गणमान्य व्यक्तियों का पत्र अभियान। कर्नाटक में बनेंगे 438 नए शहरी क्लिनिक। मुतगा गांव में एक बिना सिर का शव पाए जाने से हड़कंप। लगातार बारिश शुरू होने से किसानों को राहत। पाठ्यपुस्तक बदल के खिलाफ दलित संघर्ष समिति का आंदोलन। लोंढा और अनमोड़ इलाकों में तूफानी बारिश की हाजिरी। बारिश के लिए केली धुपटेश्वर की प्रार्थना। Chennapasappa & Sons, The Textile Mall, Grand Opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. Strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. The all new Z62. अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी महाराष्ट्र में सोमवार आधी रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे एक और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुंबई जिले, ठाणे जिले और पूरे कोंकण क्षेत्र में सोमवार से भारी बारिश की संभावना है। क्षेत्र में सोमवार दोपहर से ही तेज बारिश हो रही है और मंगलवार की सुबह कई जगहों पर तेज बारिश भी हो रही है। अकेले सोमवार को ही मुंबई और ठाणे समेत कोंकण के कुछ हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी तट पर भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी और मौसम विभाग के उप महानिर्देशक कृष्णानंद होसलीकर ने ट्विटर पर कहा कि भारत के पश्चिमी तट पर एक बड़ा बादल बन गया है। होसलीकर ने पश्चिमी तट की एक सैटेलाइट तस्वीर भी साझा की। इस फोटो के साथ होसलीकर ने तटीय मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और चुनिंदा स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, ऐसा होसलीकर ने कहा। उन्होंने सीधे क्षेत्रों का नाम भी लिया और भविष्यवाणी की कि कौन से क्षेत्र स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। होसलीकर ने कहा, इस स्थिति के कारण मध्य महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, कोल्हापुर, सातारा, पुणे और नासिक घाटों में बारिश होने की संभावना है। नुपुर शर्मा के समर्थन में गणमान्य व्यक्तियों का पत्र अभियान। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद अब उन्हें समर्थन मिलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की आलोचना करते हुए 117 गणमान्य व्यक्तियों को पत्र जारी किया है। इसमें 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 77 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 25 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी शामिल है। गणमान्य लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा खींची गई ताशरी अपमानजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नुपुर शर्मा की अपमानजनक टिप्पणी से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए वे ही जिम्मेदार है। ताश्री कोर्ट ने कहा कि उन्हें उसी समय देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पत्र में कहा गया है, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायिक सिद्धांतों के साथ असंगत है। उसने दावा किया कि उसका कबूलनामा यातना के माध्यम से प्राप्त किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि नुपुर शर्मा को न्याय से वंचित किया गया है। कर्नाटक में बनेंगे 438 नए शहरी क्लिनिक।
कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में 438 शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने को मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत हमारे शहरी क्लिनिक की स्थापना के लिए कुल 103.73 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नर्सों, 438 डॉक्टरों और 438 वित्तीय श्रेणी लिपिकों के पद सृजित करने की भी अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने बेलगाम जिले के चिकोड़े में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। अथनी निपानी सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए मंत्रिपरिषद ने 32 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। कैबिनेट ने रुपए का भत्ता देने को भी मंजूरी दी। एलिफेंट गोल्ड माइनिंग कंपनी ने ठेके के तहत ली गई जमीन को खारिज कर भूमिगत खनन के लिए खुला क्षेत्र बनाया है। इस परियोजना के लिए 307.95 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। श्री जगज्योति बसवेश्वर की 325 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा श्री मुरुग मठ के चित्रदुर्ग परिसर में 30 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जाएगी। इसके लिए फिलहाल 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुतगा गांव में एक बिना सिर का शव पाए जाने से हड़कंप। बेलगाम तालुका के मुतगा में एक कुएं में एक सिर रहित शव मिला। इस घटना ने मुतगा क्षेत्र और तालुका में हलचल पैदा कर दी है। सुनील अष्टेकर के परिवार खेत में एक कुएं में मिला शव 30 वर्षीय युवक का निकला। IS मामले में मारिहाल पुलिस को बुलाया गया था। संभव है कि युवक की हत्या कर उसका शव फेंका गया है। हालांकि इस घटना ने बेलगाम तालुका में हुई हत्याओं में एक और आयाम जोड़ दिया है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। लगातार बारिश शुरू होने से किसानों को राहत। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश की प्रतीक्षा हो रही थी, इसलिए बारिश के आने से बेलगाम तालुका के किसान खुश है। सोमवार शाम से ही हल्की बारिश शुरू हो गई थी, मंगलवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इस वजह से शहर के कई इलाकों में पानी रुका हुआ है। बेलगाम तालुका के किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। किसानों ने बुवाई का काम पूरा कर लिया था और उनकी नज़र आसमान पर टिकी हुई थी, इसलिए किसानों को इंतजार करना पड़ा। मृग नक्षत्र जून में सूख गया था, साथ ही आर्द्रा नक्षत्र बहुत संतोषजनक नहीं था, इसलिए अब लगातार हो रही बारिश ने बलिराज को संतुष्ट कर दिया है। बारिश के कारण शहर और तालुका में दिन भर ठंडा मौसम बना है। पाठ्यपुस्तक बदल के खिलाफ दलित संघर्ष समिति का आंदोलन। राज्य सरकार ने इस साल पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इसमें गलत विवरण का उल्लेख कर अन्याय किया गया है। ये घटना गंभीर है, साथ ही भारतीय राज्य संविधान को धक्का दे रहा है। इसलिए मांग की गई कि रोहित चक्रतीर्थ द्वारा किए गए पाठ्यपुस्तक संशोधनों को वापस लिया जाए। राज्य सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना के कारण है, इसलिए दलित संघर्ष समिति राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ऐसा प्रदर्शनकारियों ने कहा। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीराम सेना हिंदुस्तान संगठन के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने चेतावनी दी कि पाठ्यपुस्तक को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा तीव्र आंदोलन होगा। लोंढा और अनमोड़ इलाकों में तूफानी बारिश की हाजिरी। खानापुर तालुका में भारी बारिश हुई है, इसके चलते कई जगह पेड़ गिर गए हैं। साथ ही बेलगाम गोवा मार्ग पर अनमोड़ घाट में भूस्खलन का दौर चल रहा है। लोंढा वास्को रेलवे पर काले के पास एक पेड़ गिर गया, रेलवे स्टाफ ने पेड़ को हटाया। हालांकि सुबह की ट्रेन लेट हो गई, साथ ही अनमोड़ घाट में काम पूरा होने के बाद यातायात सुचारू किया गया। हालांकि उसी मार्ग पर एक दुर्घटना के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। गोवा से सब्जियां पहुंचा रहे टेम्पो ने ओवरटेक करने के प्रयास में कर्नाटक से गोवा आ रही एक ऑल्टो कार को टक्कर मार दी। ऑल्टो कार का चालक घायल हो गया तो उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश के लिए केली धुपटेश्वर की प्रार्थना। पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पारंपरिक तरीके से शहर के किसानों ने हनुमान नगर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री गौलदेव धुपटेश्वर मंदिर के स्थान पर प्रार्थना करते हैं और बारिश के लिए कहते हैं। सोमवार को इसका नज़ारा देखने को मिला। बेलगाम शहर और तालुका में बारिश होनी चाहिए, इसी तरह उचित वर्षा के साथ समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। विधायक अनिल बेनके, श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, शहर देवस्थान समिति के अध्यक्ष रंजित चव्हाण पाटिल उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। जड़े दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना,
मारुति गली बेलगाम मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संजीव पाटिल ने सोमवार को बेलगाम जिले के एक नए जिला पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पिछले जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी ने उन्हें अपने पद की बागडोर सौंपी। लक्ष्मण निंबर्गी को सरकार के आदेश के अनुसार बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उनकी जगह संजीव पाटिल ने जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने अपना पद स्वीकार करने के बाद कहा कि वो जिले में अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय रहेंगे। पुलिस बल द्वारा पुलिस मुख्यालय में उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद उन्होंने पद स्वीकार कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना देश की मुश्किलें बढ़ा रही है, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की कि इस योजना को रद्द कर दिया जाए। इस मांग का बयान कलेक्टर को दिया गया। बयान में कहा गया है कि अग्निपथ योजना युवाओं को अल्पकालिक रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, हालांकि भविष्य में ये युवा पीढ़ी को बेरोजगार करने का काम करेगी, इसलिए योजना का पूरा अध्ययन करने से पहले योजना को लागू करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो पूरे देश को इसका सामना करना पड़ता है। हालांकि मांग की गई है कि इस योजना को तत्काल रद्द किया जाए। बयान देते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जीएम जैन खान, जीवी कुलकर्णी, सीए खराड़े, मंदा नेवकी, नागप्पा संगोली, एमएस नायक एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। अम्बोली में पर्यटकों की भीड़ शुरू। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश का इंतजार अब खत्म होने के संकेत दे रहे हैं, इसलिए साल भर के पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाली मंडलियों ने कुछ पर्यटन स्थलों का दौरा करना शुरू कर दिया है। रविवार को अम्बोली में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ऐसे में कई दिनों के बाद अम्बोली इलाके में एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी। कई पर्यटक उपलब्ध वाहन से अम्बोली पहुंचे और वहां की प्रकृति को देखने का मौका मिला। लगातार हो रही बारिश के कारण अम्बोली में झरने अब बह रहे हैं, इसीलिए भीड़ अधिक होने लगी है। हालांकि ऐसे उत्साही पर्यटकों की आवाजाही ने कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। इसमें मुख्य रूप से वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग के कारण भीड़ थी। कुछ वाहन मालिकों की जिद को लेकर भी विवाद की घटनाएं हुई। मनपा अधिकारियों और पार्षदों का परिचय कार्यक्रम। मनपा चुनाव के 9 महीने बाद नगर निगम प्रशासन ने नए नगर सेवकों से परिचय किया। बैठक में पार्षदों ने कई मुद्दे भी उठाए। हालांकि पार्षदों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए बैठक स्थगित कर दी गई। सितंबर 2021 में नगर निगम के चुनाव हुए थे। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। दो बार आरक्षण की घोषणा होने पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए पार्षदों में भारी रोष है। 3 बार क्षेत्रीय आयुक्त से भी शिकायत की गई, इसलिए पहली बार नगर निगम प्रशासन की ओर से पार्षदों का परिचय कराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम हॉल में हुई बैठक में नए पार्षदों और पदाधिकारियों का परिचय दिया गया। वार्ड में जबकि पार्षद अपना परिचय देते समस्या भी उठाई गई। हिंडलका जेल में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण। क्षणिक क्रोध के कारण कैदियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्रोध पर नियंत्रण हो जाने से हानिकारक कार्य नहीं होते हैं। मुख्य अतिथि शुश्रूषा कॉलेज की प्राचार्य सुधा रेड्डी ने कहा कि इसके लिए अच्छी तरह सोचने की आदत डाले। यहाँ केएलई नर्सिंग मेडिकल कॉलेज ने हिंडलका जेल के कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और क्रोध नियंत्रण और नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव पर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। समारोह की अध्यक्षता जेल के अधीक्षक कृष्ण कुमार ने की। प्रिंसिपल सुधा रेड्डी ने नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। शिक्षकों पर 10,56,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में पुनः प्रश्नपत्र परीक्षा में अंक बढ़ने के कारण पेपर परीक्षा देने वाले शिक्षकों से जुर्माना वसूला जाएगा। पूरे राज्य में 10,56,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा में अंक प्राप्त करने वालों
छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा विभाग उचित पेपर परीक्षा के लिए नए नियम लागू करने का प्रयास कर रहा है। इनमें से अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की 3 सदस्यों द्वारा जांच की जाएगी। पेपर पुनः परीक्षा में छात्रों की गुणवत्ता में वृद्धि के कारण शिक्षकों ने प्रश्न पत्रों की जांच करते समय उचित सावधानी नहीं बरती है। 10वीं के पेपर के परीक्षा से पहले गलती करने वाले शिक्षकों को जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। अगले साल से अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 3 सदस्य करेंगे। चूंकि ये बड़ी गुणवत्ता अगली पीढ़ी के लिए खतरनाक है, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा अभी से पूरी तरह से पेपर परीक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।